पूर्व आईपीएस अफसर आरएस परवीन को कितने वोट मिले। तेलंगाना में बसपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस अफसर आरएस परवीन ने लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म किया। तेलंगाना की नगर कुर्नूल सीट से केसीआर की पार्टी बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आरएस परवीन को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीआरएस का दामन थामने वाले आरएस परवीन को अपनी दूसरी चुनावी पारी में भी हार ही नसीब हुई। आरएस परवीन को कुल 3,21,343 वोट मिले। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मल्लू रवि ने करारी शिकस्त दी। डॉक्टर मल्लू रवि को कुल 4,65,072 वोट मिले और नगर कुर्नूल सीट पर आरएस परवीन तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि डॉक्टर आरएस परवीन को अच्छे वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस के मल्लू रवि से उनकी हार का अंतर 1,43,729 वोटों का रहा। नगर कुर्नूल सीट पर बीएसपी के कैंडिडेट बिस्मुल्ला यूसुफ ने सिर्फ 7218 वोट ही पाए और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। माना जा रहा था कि आरएस परवीन बीआरएस के टिकट पर नगर कुर्नूल सीट से जीत सकते थे, क्योंकि नगर कुर्नूल एक आरक्षित सीट है, लेकिन आरएस परवीन को पहले विधायकी के चुनाव में हारना पड़ा और अब सांसदी के चुनाव में भी उन्हें हार ही मिली। आपको बता दें कि आरएस परवीन को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तेलंगाना बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और उन्हें तेलंगाना में अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया था, लेकिन वो तेलंगाना चुनाव में बुरी तरह से हार गए, जिसके बाद उन्होंने केसीआर की पार्टी से एक तरफा गठबंधन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीएसपी की लीडरशिप से नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीआरएस का दामन थाम लिया, लेकिन उन्हें बीआरएस ज्वाइन करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर आरएस परवीन ने अपनी जीत का दावा किया था और उस समय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की केसीआर से मुलाकात पर आपत्ति भी जताई थी। चंद्रशेखर आजाद को बुला लिया तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम, अरे चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी करके लगाया और वो बोला बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर वो अपना पार्टी का उसमें भी लगा लिया, ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का राज लेके आएंगे। तो वही चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर केसीआर का पास आके फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक, मतलब मेरे खिलाफ तो बयान नहीं दिया लेकिन केसीआर को तारीफ किया वो। तो मैंने ये, मुझे ये बुरा लगा कि अरे जब बहुजन समाज पार्टी मानश्री कांशीराम के जरिए और बहनजी कुमारी मायावती के जरिए जो बना हुआ बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रही तेलंगाना में, बहुजन समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के रैली हो रहे, आपको यहाँ आने का क्या जरूरत है? जिस दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया, तो क्या ये अच्छा चीज है? तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज। लेकिन अब वही चंद्रशेखर आजाद तो नगीना से सांसद बनकर संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन आरएस परवीन के हाथ कुछ नहीं लगा। बतौर आईपीएस अफसर अपनी खास पहचान रखने वाले आरएस परवीन राजनीति के दावपेंच में हार गए। उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।